ये जेएनयू के मीडिया भाई रिपोर्टर है, जेएनयू के परमानेंट रिपोर्टर। यहाँ पे हम लोग बुलाए हैं जेएनयू एसयू के तरफ से, हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि कल से लगातार रिपोर्टिंग हो रही है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे इसी को मिला गया है मिनिस्ट्री के तरफ से। और स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर एक ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको जिन्होंने वहाँ पे लाठी खाई है, जिस तरीके से बेरहमी से उनको पीटा गया है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ, उनकी पहले की ये लोग बात करें, थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कर देते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और इसी मांग के साथ कि 28 अक्टूबर को जो आईएसए मीटिंग हुई थी वो इलीगल तरीके से बुलाया गया था, इमीडिएटली उसको रोल बैक करवाया जाए और कम्प्लीट रोल बैक करवाया जाए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आए बात करे, एक फ्रेश इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बुलाए। सर पिछले 23 दिनों से हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चेयरमैन के दिन ये होता है कि हम लोग जो एमएचआरडी के मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल से मिलते हैं, वो अश्योरेंस देते हैं कि एमएचआरडी की तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं आया। तो कल का दिन हमने चुना था कि विंटर सेशन का पहला दिन है पार्लियामेंट का, कि जेएनयू के स्टूडेंट्स स्ट्रीट्स में जाके एक आईएसए ड्राफ्ट को इलीगली 28 तारीख के मीटिंग में पास करवाया गया है, एकदम रोल बैक किया जाए और एमएचआरडी इसमें इमीडिएटली इंटरवेन करके वीसी को डायरेक्ट करे कि वो इस ड्राफ्ट, बार बार जेएनयू एसयू के चारों मेंबर्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे आप लोग मार्च में मत जाओ, एमएचआरडी की तरफ से अश्योरेंस आ रहा है, और उसके बाद पावर कमिटी को बैठाया गया। जो भी ट्वीट के थ्रू पता चला, हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया। उसके बाद हम लोग ने बोला कि हम लोग पहले साबरमती ढाबा से निकले, जब निकले पहला बैरिकेड लगाया गया नॉर्थ गेट पे ही कि जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे, और पिछले 22 दिन से जो हमारा हड़ताल कैंपस के अंदर चल रहा है वो बाहर के लोगों को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि वाइस चांसलर तो फिर उसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स मार्च करना फिर से स्टार्ट किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेडसराय से ही पहले एक बड़ा एकदम मारपीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मैं खुद थी, एक स्टूडेंट फेलो स्टूडेंट एसआईएस के थे जिनको बचाने के लिए हम लोग सामने बात कर पाए। वहाँ पे मेरा कुर्ता, लाइक देयर वर मीडिया पर्सन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, मेरे उनके सामने मेरा कुर्ता को पूरा एकदम खोल के ऊपर उठा दिया गया। प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे, जो विमेन स्टूडेंट्स थे उनको मेल पुलिसमैन इंक्लूडिंग मी, आई वॉज मैन हैंडल बाय, खींच ले जाके बस में घुसा देते, और यही बाकी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कल हुआ है। और इससे भी बच्चे के साथ जिस बहरहमी तरीके से एकदम ट्रीट किया गया है वो बहुत ही जेएनयू एसयू की तरफ से हम कंडेम करते हैं कि ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ। खुद दिल्ली कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में थी, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सतीश, हम दोनों दिल्ली कैंटोनमेंट में थे पुलिस स्टेशन में। लेकिन उससे पहले बस में एक स्टूडेंट थी जो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रही थी और उसका पैर में लिटरली नंब हो गया था उसका पैर, उसको मेडिकल इमरजेंसी का हेल्प चाहिए था। जब हमने इंस्टॉल मेडिकल इमरजेंसी, इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि आप क्या करना चाहते हो, आप कर लो, हम बस नहीं रोकेंगे। और दिस वॉज द ऑडेसिटी ऑफ द पुलिस टू से कि हम मेडिकल एसिस्ट किया जाए। हमने पुलिस के बाहर लोगों से कॉन्टेक्ट करने की फोन के थ्रू कोशिश किया, बट कुछ नहीं। बस को 2 घंटा इस तरीके से घुमाया गया, द स्टूडेंट जाया गया, और जब शाम के टाइम हमें छोड़ा गया तो काफी शाम हो चुकी थी। सतीश और हम दोनों खुद थे, हमें जी लोग बैठे थे, स्टूडेंट का यही डिमांड था कि जेएनयू एसयू के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जाएंगे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स भी साथ में लेके चले, बिकॉज वी कुडंट ट्रस्ट द पुलिस एट दैट मोमेंट। तो हमें निकाला गया वहाँ से और फिर हम बोले कि हमें इमीडिएटली पहुँचना है साकेत और दानिश में। उसके बाद दिल्ली के शहर में जहाँ जहाँ जैम था पर्टिकुलरली वहाँ लेके जा रहे थे। नहीं, हमारी आवाज सुन बोला जाएगा, वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे। मीडिया पर्सनल, आई एम हियर टू एड्रेस ऑन बिहाफ ऑफ द जेएनयू स्टूडेंट्स कम्युनिटी, एंड प्लीज मेंटेन द डेकोरम, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। आराम से जहाँ से बात खत्म हुई थी कि वहाँ पे मुझे और सतीश को निकाला गया वहाँ से, और फिर उसके बाद हमें लिटरली 2 घंटा रास्ता खुला था जहाँ से हम लोगों को आधे घंटे के अंदर पहुँचा सकते थे, बट लिटरली वहाँ पे लेट किया गया। उसके बाद जब तक हम लोग जोरबाग पहुँचे
डिटेन करने के लिए। नहीं, हमने तो नहीं बोला था कि आप डिटेन करके मुझे और सतीश को वहाँ पे रख दो या बाकी स्टूडेंट्स को रख दो जिसके वजह से आप डेलीगेशन ले ऐसे करके जेएनयू के स्पिरिट को तोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड था कि हम लोग जाएंगे डेलीगेशन से मिलेंगे और आके, और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग भी की, यहाँ पे बसेस है तो तब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बोला कि आप लोग जाइए मिलके आइए और रिपोर्टिंग कीजिए। तब जाया गया, ठीक है, लिया जाया गया पीछे के तरफ। हमें समझ में भी नहीं आया, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लाइट ऑफ हुई और जब तक ये इतना गंदा था कि चारों हम ऑफिस बेरस को पीछे ले जाया गया बोल के कि आपको डेलीगेशन के तरफ ले जा रहे, और हम चारों को देयर आई वाज सर्चिंग फॉर, व्हेन आई गॉट टू सी हर शी वाज इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने उससे पूछा कि तुमने साकेत सतीश दानिश किसी को देखा, बिकॉज मुझे अलग कर दिया गया है, मुझे नहीं पता है। उनके साथ गई, उसके बहुत देर बाद एक एसीपी आए और मुझे बोले नहीं आपको तो डेलीगेशन के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन तब तक हम जब चार लोग मीट किए उसके, और उसके बाद वहाँ पे आधा घंटा 15-20 मिनट हमें वेट करवाया गया। उसके बाद हम लोग ले गए शास्त्री भवन, अपना मेमोरेंडम दिया, एक्सप्लेन किया। और एक चीज मैं मीडिया के सामने बताना चाहूंगी जो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कल रजिस्ट्रार को एक कमिटी जो फॉर्म हुआ है, दिस इज द ग्रेव कि MHRT के तरफ से एक हाई पावर कमिटी बैठाया जाता है जो जस्टिस आप हम जेएनयू स्टूडेंट्स को दे पाएंगे, जब आपके रजिस्ट्रार आपके नियुक्त वाइस चांसलर आपसे ही मिलने के लिए तैयार नहीं है और आप बार बार टू टॉक, द रजिस्ट्रार इज नॉट इवन रेडी टू टॉक टू योर हाई पावर कमिटी। इसके बाद हमने काफी लंबा बात किया वहाँ पे, हमने बोला ये स्ट्राइक तभी खत्म होगी, MHRD एंड दिस कमिटी शुड इमीडिएटली कम आउट विद अ स्टेटमेंट दैट टिल एनी फर्दर नोटिस दिस ड्राफ्ट इज टेकन बैक। MHRD कांट कम आउट विद एक्सक्यूजेस कि वाइस चांसलर हमारा नहीं सुन रहा है। अगर वाइस चांसलर नहीं सुन रहा है, हमने क्लियरली बोल दिया दिस वाइस चांसलर मस्ट रिजाइन। मिनिस्ट्री को लग रहा है कि कल जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया है, इस तरीके से डरा के धमका के हम लोग दर्द बैक नहीं करते। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से आप पुलिस यूज करके हमें चुप करवा देंगे तो ये नहीं होना। आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, आपकी वाइस चांसलर बात अंदर नहीं सुन रही है, तो उस वाइस चांसलर को मत रखिए, उसको हटा दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि वो वाइस चांसलर अभी के तौर पे एकदम नहीं इसको हाईलाइट कर रहे हैं। SC ST OBC रिजर्वेशन को हॉस्टल मैनुअल से हटा दिया गया है, PWD फॉर SC OBC एंड PWD स्टूडेंट, उसको इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया, जिसको हमने MHRD में बोला कि दे कांट कटल रिजर्वेशन। मीटिंग किए हुए आप बोल रहे हो अगले साल से इस साल का जो रेट रहेगा अगले साल से 10% अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये भी हमने MHRD के पास बोला कि ये भी हम लोग नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो MHRD के साथ लंबा बात भी हुआ कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स को अगले टाइम फाइन दिया जाएगा। एक एक स्टूडेंट्स को अभी तक शायद 10-11 नोटिसेस आ चुके हैं, चाहे इनका इंक्वायरी ऑफिस हुए कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो MHRD के तरफ से JNUSU का एकदम क्लियर वो था कि MHRD शुड डायरेक्ट द कमिटी दैट ऑल नोट किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कोई भी कार्रवाई स्टूडेंट्स के खिलाफ इस मूवमेंट के दौरान नहीं होगा, इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट फॉर अ जस्ट कॉज। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू टारगेट स्टूडेंट्स, इसको कतई हम लोग एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को नहीं आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बाकी साथी है जो अपने एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे ये समझने के लिए किस तरीके से ब्रूटल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मीडिया जो पर्सन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के बंधु, आप लोग प्लीज इसको कवर कीजिए कि एक स्टूडेंट मूवमेंट, एक स्टूडेंट कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ पाए, क्योंकि अगले एक महीने में वो सारे हजारों स्टूडेंट्स इस कैंपस के बाहर हो जाएंगे। उस टाइम पे ये हालत किया, हमने यूज नहीं किया लाठीचार्ज, नहीं यूज किया तो स्टूडेंट्स ने क्या खुद को मारा? ये रियलिटी देख, जो सारे मीडिया यहाँ पे ये बोल रहे कि हैंडफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्लियरली बोलना चाहते हैं कि अगर आपको अभी भी लग रहा है हैंडफुल स्टूडेंट्स, आप प्लीज, आपसे अनुरोध रहेगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप जहाँ से यहाँ पे इनका पूरा सुन के जा रहे हैं तो आप ये जाके दिखाए कि यहाँ पे एक तरीके का वैंडलिज्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर माना नहीं जा रहा है। आप थोड़ा पूछिएगा कि दिल्ली पुलिस ने कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात मानी थी, आप थोड़ा पूछिएगा वाइस चांसलर, ये बता देना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जा रहा है, आपका बात सुन भी ले रहा है, तो आप काफी दिन से कवर कर रहे हैं। वाइस चांसलर अगर आते तो मीडिया भी कवर कर लेता, देखो वाइस चांसलर आ रहा है लेकिन स्टूडेंट मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक
दो चैनल से तो हम जेन्युइनली जर्नलिज्म किया जाए इसका एक्सपेक्टेशन हम जेएनयू के स्टूडेंट्स रखते हैं, और इसी रेस्पेक्ट के साथ ये भी अपील करते हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि आप भी जिस तरीके से ब्रूटालिटी हुआ है उसको एकदम ट्रूथ जर्नलिज्म के ट्रूथ के साथ स्पिरिट के साथ उसको एकदम दिखाने का हिम्मत कीजिए। हम आपके स्तर से शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। आँख कान खुला है आत्मा जगे। मेरा नाम सतीश चंद्र यादव है और मैं छात्र संघ में जहाँ से बैठी हूँ। दो चीजें जो है, पहला चीज ये है कि जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन जो है जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनको महंगा न किया जाए। आज जो गवर्नमेंट है वो स्कूल को किस तरीके से बदनाम कर रही है। मैं स्वयं एक गरीब परिवार से और पढ़ाई नहीं कर पाया होता, लेकिन सरकार आज जवाहर नवोदय विद्यालय को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक समय में गरीब लोग तो वहाँ पर अब नहीं पढ़ने जा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी फीस को महंगा किया जा रहा है। जो फीस टोटल अगर मिलाकर देखो एक्सक्लूड हो रहा है तो वो गरीब लोग हैं, जो गांव से आने वाले वंचित तबका से लोग हैं, महिला साथी लोग, जो महिला स्टूडेंट लोग होंगी वो लोग इससे एक्सक्लूड हो रहे हैं। वहाँ पर शिक्षा को आप निःशुल्क कीजिए और सस्ती कीजिए ताकि जो सॉरी देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ। आप तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ आप इसको बोले कि मैं यहाँ के बोलूँ देखिए अगर आपने डिस्टर्ब न किया होता तब तक खत्म हो गया होता है। आप देख रहे हैं कि काफी आप मेरी बात सुनिए। ये जो मेरे जो यूनियन की बात सुन लीजिए। सभी आप लोग सब कोई एक मिनट सुन लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका होता है। जेएनयूएसयू बोलेगा बीच में ये लोग पूरे तरीके से जो हमारा मुद्दा है इस पर मीडिया में नहीं जाना चाहता। मैं फिर से जो है ये आंदोलन बचाने का है। ये आंदोलन जो चल रहा है शिक्षा का सस्ती होनी चाहिए, सभी के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये लोग रिपब्लिक की दिशा है, यही लोग हैं। इनके सर पे चोट लगी, इनके सुनने नहीं चाहते क्या? सुनने नहीं चाहता भी क्या? कितने दलाली करोगे? प्लीज प्लीज
ये लोग देखिए ये रिपब्लिक की तरफ है, यही लोग जो है मीडिया के साथ लगे हैं जो पूरे मुद्दे को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये रिपब्लिक टीवी के लोग जो है यहाँ पर बीच में आते हैं और मुद्दा को भटकाने की कोशिश करते हैं, यही लोग जो है हमारे मुद्दा को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो जेएनयू का आंदोलन चल रहा है ये आज सिर्फ और सिर्फ जेएनयू का आंदोलन बनकर के आंदोलन जो है जो एक गुलाम इच्छा प्रणाली है इसको आजाद करने के लिए कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। आज जो जरूरत है ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जो महिला जाती है वो लोग शिक्षा से वंचित होंगी, तो हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं और ये आंदोलन में हम लोग सभी से आह्वान कर रहे हैं। इस देश में जितने यूनिवर्सिटी है नहीं जेएनयू के साथ साथ देश में जितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, IITs, आपका मैनेजमेंट का मेरे साथी हैं, उन लोग भी जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर सके, वो लोग भी IIT में दाखिला ले सके, वो लोग भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सके। लेकिन आज का जो सरकार हुए हैं उन लोग का भी प्रेजेंस हो, उन लोग का भी एडमिशन विश्वविद्यालय में हो, चाहे जेएनयू में हो चाहे देश के अदर यूनिवर्सिटी में हो। रही बात जो जेएनयू की, लड़ करके अपने आंदोलन से इस बात को इंश्योर किया था कि शिक्षा जो है एक कमोडिटी की चीज नहीं है, शिक्षा जो एक तरह फिर से वो शिक्षा को कमोडिटी बनाना चाहती है, फिर से वो शिक्षा को बेचना चाहती है। इसीलिए आज जो जेएनयू का जो स्टूडेंट है आपने देखा कि थे दिल्ली से लोग आए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए थे, जिंदल और अशोका यूनिवर्सिटी के लोग भी आए थे। आप लोगों को पता मच रहे हैं कि शिक्षा अगर महंगी हो गई तो लोगों को पर क्या बीतेगी। इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो इस आंदोलन में पूरे तरीके से खुल करके सामने आए और सरकार से सवाल करें कि आपको जो शिक्षा है वो सस्ती करनी पड़ेगी। हमारे बीच आए प्रोवोक करने के लिए और हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, चाहे प्रोवोक हम लोग हो और यहाँ मुद्दे को भटकाया जाए, एकदम तवज्जो नहीं देना है, एकदम कोई ध्यान नहीं देना है। हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से प्रेस हाईलाइट ना किया जाए। और सतीश ने अभी अभी आपको बताया कल क्या क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें मैं उसमें बस ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि डिटेन किया गया बहुत सोचा समझा तरीके से। साथियों शांत हो जाइए, सुन लीजिए बात को भाई, कि अगर जेएनयू छात्र संघ के ऑफिसर को डिटेन किया जाए तो जब हम लोग यहाँ पे बेसराय के पास जो बैरिकेड है वहाँ पे जो ब्रूटल हमारे ऊपर एक असॉल्ट हुआ पुलिस के द्वारा, ब्रूटली आते इन दोनों ने कही, हमने उसके बाद जब हमें यहाँ पे रोकने का कोशिश किया गया हमने अपने रूट में थोड़ा बदलाव करके। अच्छा अच्छा आप रुकिए, मैं जवाब दूंगा, कल का पूरा चीज मुझे कह लीजिए एक बार। विश्व तरीके से घायल हुए हैं, मीडिया के साथी भी घायल हुए हैं, बिना किसी भी प्रोवोकेशन के वहाँ पे लगाई है, और जब छात्र वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से बने हुए थे उनको रिहा किया जाए, उनको रिहा करके जोरबाग पे लाया जाए, ये हमारा एक सिंपल डिमांड था और वहाँ पे हम बने हुए थे। हमारा कोई ऑफिसर आके हमसे बात करता नहीं, हम वो अपना मीडिया होने का फर्ज निभाए और जिस का और हम लोग बाकी मीडिया से अपील करना चाहते हैं कि VC के साथ वो लोग बात करें, वो लोग अपील करें कि VC अपने स्टूडेंट के साथ, मैं खुद इस JNU में अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकती, मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट है। जैसा कि आप सभी लोग
कि जो एक 10 से 15 पुलिस लोग मेरे को पकड़ते हैं और बैरिकेड में उखाड़ के कमर पे ही लगा हुआ है और फिर वहीं पे उठा के मेरा जो है वो जो 8 से 9 किलो का जो अंत तक ले जाते हैं और उसके जेनू छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जाते हैं और दोबारा वहाँ पे जब भी स्टूडेंट को लाइट बंद करके मारा जाता है और जितने भी आप जैसे रिपोर्टर उसी वहाँ पे नहीं आते, अगर इतना रिपोर्टर वहाँ पे होता रिपोर्टर उतना दलाली करेंगे, हम उनसे कोई वहाँ पे मारा है। फिर यहाँ पे अभी भी जो फी हाइक का जो है जो दलित जो सरकार है वो जो और ये सिर्फ जेएनयू का लड़ाई नहीं है, इस देश में जितने स्टूडेंट है वैसे फैमिली में औकात नहीं है कि मेरे को यहाँ पे 7,000-8,000 के ऊपर अत्याचार करता है और मारता है स्टूडेंट के ऊपर। जो हमारे स्टूडेंट को अभी ब्रुटालिटी है ये जो है ये जो पुलिस है ये किसका ये सरकार है ये एक सवाल है। देख जो दिल्ली पुलिस है उसको कंडेम तब से मैं आऊँ और आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपना वॉयलेंट प्रोटेस्ट कब, दलित आदमी जो अपने घर में ठिली है वो प्रोटेस्ट करेगा वॉयलेंट या वो मारपीट करेगा कि स्टूडेंट मारपीट करेगा वहाँ पे? शाया वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था और ये मोदी जी भी सुन ले जो उन्होंने किया है। ये एक बार एक दृष्टिबाधित ग्रुप पर इंदिरा सरकार ने लाठी फटेंगे क्योंकि आप इस सत्ता के लायक नहीं है, आप दिव्यांग कहते हैं दिव्यांग। और ये देखिए क्या हाल थी, मैं अब ऐसे ही बात करूंगा आपसे। मैंने कल जब मैं वहां पे प्रोटेस्ट में था लोगों ने कोशिश की कि मुझे बचा के निकाल कि इसको साइड करो तब और तुम लोग यहाँ से भागो, उन्होंने करने के बाद वो जो वहाँ गेट लगा जब मैं वहां से हटा और ये बोलता हुआ हटा कि मैं एक दृष्टिबाधित स्टूडेंट हूँ, मुझे पटक दिया और मैंने उससे तब भी कहा कि तुम एक दृष्टिबाधित। इन लोगों ने कम से कम 5-6 लोग मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ नीचे सुनने की वो नहीं है कि आप सिगरेट पीना कब छोड़ देंगे, आप खड़े होकर लगेंगे पूछने कि आप देशद्रोही के नारे लगाने कब छोड़ देंगे। आप ये चीज समझिए कि ये देश वहीं जाकर देखिए उत्तराखंड से बात उठ रही है और ये सब शिक्षा के जो आजकल इसका आपने हर जगह से जेएनयू को काट के रखना चाहते हैं। अरे और जगह जगह का लड़का इसी भारत का लड़का है, क्या यहाँ आने के बाद देशद्रोही बनने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? तब तो उसामा बिन लादेन को यही पढ़ना चाहिए था। दिखाइए देश हमसे भी ज्यादा आप पे भरोसा करता है और आप अगर आप पैसा ले लेकर किसी की दलाली शुरू कर देंगे।